सजल मोबाइल अब पहली बार फाइनेंस कार्ड बिल्कुल मुफ्त बन पाए बिना किसी शुल्क के और 2 साल की वारंटी सभी मोबाइल पर। बड़ा बाजार राम प्याऊ के पास सागर मध्य प्रदेश। अंधे कत्ले का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सामने आया कि गुनियाई के शक में धारदार हथियार से व्यक्ति का मर्डर किया गया था। घटना जबलपुर जिले के गौरी घाट थाना इलाके की है, जहां भटोली विसर्जन कुंड के पास वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी लगते ही SP सिद्धार्थ बहुगुणा खुद मौके पर पहुंचे थे। दरअसल शनिवार की सुबह दुर्गानगर स्थित भटोली विसर्जन कुंड के पास रोड किनारे एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। सूचना पर गौरी घाट थाना प्रभारी भूमेश्वरी चौहान समेत स्टाफ पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू की। बताया गया कि व्यक्ति के दोनों हाथ, पेट, सीने और गले में धारदार हथियार के निशान थे। आसपास खून फैला था। कुछ दूरी पर एक्टिवा बाइक भी पड़ी हुई थी। मृतक की पहचान प्रीतम रैकवार उम्र 58 साल निवासी दुर्गानगर भटोली के रूप में हुई थी। वो हर रोज की तरह पालतू कुत्ते को लेकर घुमाने घर से निकले थे और कुछ देर बाद मर्डर हो गया था। पतासाजी के दौरान पता चला कि पड़ोसी धर्मेंद्र बर्मन ने प्रीतम रैकवार के साले साड़ू भाई को धमकी दी थी, जिस पर संदेही धर्मेंद्र बर्मन के घर पर दबिश दी गई, जो वहां नहीं मिला। इसके बाद पुलिस थाना पाटन अंतर्गत कड़ा घाट गाँव बड़ी बहन के यहाँ पर पहुंची और धर्मेंद्र को दबोचा। पूछताछ में उसने बताया कि उसे शक था कि प्रीतम रैकवार गुनियाई करता है, जिससे करीब 7 साल पहले उसकी पत्नी बच्चे को लेकर छोड़कर चली गई है। 2 साल पहले मां को लकवा लग गया, भाई भी बीमार रहने लगा, इसी से उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। अंतर्गत टोली कुंड के पास आज करीबन 55 से 50 वर्ष एक वृद्ध व्यक्ति की एक लाश मिली, जिस टाइम मर्डर लग रहा है। पुलिस में अपराध कायम करके हम अन्वेषण करेंगे और मुझे आशा है जल्दी हम खुलासा करेंगे। 20 अगस्त को ग्वारी घाट में जो भटोली कुंड के बगल में एक करीबन 58 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिली थी, जिनका नाम था प्रीतम रैकवार। और ऐसा पता चला था कि वो डेली वहाँ पे जो रोड है भटोली कुंड के पास, वहाँ अपने छोटे कुत्ते के साथ वहाँ पे रोज मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी बरीघाट और CSP प्रियंका शुक्ला स्थल पर पहुंचे और इनकी जो टीम है साथ में, तो थाना बरीघाट की, उनको बधाई देना चाहता हूँ। ये मर्डर जो अब खुल गया है, इसमें एक आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का नाम धर्मेंद्र बर्मन है। ये मृतक के पड़ोस का ही रहने वाला है और इसका पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। 2014 में अटेम्प्ट मर्डर में भी ये जेल गए थे और मर्डर के पीछे जो कारण था वो थोड़ा ये था कि आरोपी को लगता था कि मृतक के कारण ही इसकी पत्नी से इसका जो है अलगाव हुआ है और इनकी मृतक के कारण ही इनकी माता को लकवा लगा है। थोड़ा मृतक को ऐसा लगता था कि ये कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि इनके परिवार में इनकी पत्नी और माता को अलग अलग समस्या हुई है। इस हालांकि ये सत्य अभी तक नहीं पाया गया है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन। ये मृतक को आरोपी को लगता था कि मृतक ऐसा करता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसने कल वहाँ पे एक बकारा एक बड़ा चाकू है उससे पहले घटनाकारी करी और उसके बाद ये फिर इसने बादशाह हलवाई मंदिर के पास एक उसको जो व्यापार जो हथियार था जिसको छुपाया, हथियार भी बरामद हो गया और आरोपी गिरफ्तारी से मृतक क्या करता था, झाड़ फूक का काम करता था। मृतक कोई ऐसा नहीं, ऐसी रक्षा सूत्र के जनेऊ का काम था, वो उनका था घर पर ही बनाते थे। जबलपुर से हरीश दुबे, सागर TV न्यूज़।
सजल मोबाइल अब पहली बार फाइनेंस कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनवाएं बिना किसी शुल्क के और 2 साल की वारंटी सभी मोबाइल पर। सभी थोक रेट पर मोबाइल उपलब्ध सिर्फ सजल मोबाइल पर। हमारा पता है बड़ा बाजार रामप्याऊ के पास सागर मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9753851640।